हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था बार ग्राफ के बारे में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमारे टैली मार्क्स और बार ग्राफ के बाद एक और ग्राफ बचता है जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। देखो अब तक आपने पढ़ा था बेटे टैली मार्क्स, उसके बाद में हमने पढ़ा बेटे बार ग्राफ, और आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटे, इसमें आपको टैली मार्क्स में आपको लाइन यूज करते थे आप ऐसे, बार ग्राफ में आप ऐसे रेक्टेंगल टाइप की शेप यूज करते थे, और पिक्टोग्राफ में आप कोई भी अपनी तरह से शेप बना दो। जैसे मैंने कहा कि आप मैं फाइव चपाती दे रहा हूँ, तो मैंने एक चपाती जैसी शेप बना दी, बोल दिया ये चपाती है। मैंने कहा आपको मैं फाइव फ्लावर्स दे रहा हूँ, तो आपने फ्लावर्स का एक साइन बना दिया और बोल दिया ये फ्लावर है। तो इस टाइप से जो हम डायग्राम की ध्रुव जो ग्राफ बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्टोग्राफ। मैंने बोला मैं आपको फाइव पेन दी, तो आपने पेन की शेप बना दी इस टाइप से। ठीक है, तो कोई भी थिंग अगर हम किसी दूसरे पर किसी भी थिंग की बात करेंगे तो हम उसकी जैसे शेप बना देंगे। तो उसके द्वारा जो डाटा शो किया जा रहा है, डाटा की बात हो रही है यहाँ पे, सभी चीजों के द्वारा डाटा शो किया जाता है। टैली मार्क्स भी डाटा को शो करता है, बार ग्राफ भी डाटा को शो करता है, ऐसे पिक्टोग्राफ भी डाटा को शो करेगा। बट इनमें सभी भी शो करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट होता है, होता है कि नहीं बच्चों, होता है ना। तो सभी बच्चे जानते हैं अगर हम लाइनों से शो कर रहे हैं तो टैली मार्क्स होगा, अगर ऐसे रेक्टेंगुलर पिलर जैसे यूज कर रहे हैं तो क्या होगा बेटे, बार ग्राफ, और अगर ऐसे डायग्राम वगैरह से शो करेंगे तो वो होगा पिक्टोग्राफ। क्लियर बच्चों, पिक्टोग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है इजी क्यों रहता है बेटे, हम एक शेप बनाए बोलते हैं एक शेप फाइव चपाती को डिनोट कर रही है, मान लो एक फ्लावर 10 फ्लावर्स को डिनोट कर रहा है, तो अगर हमें 50 डिनोट करना है तो हम 10 की 10 को 1 के बराबर 10 मानेंगे, तो 50 के लिए कितने फ्लावर बना देंगे, फाइव फ्लावर बना देंगे। इस टाइप से कितने फ्लावर बना देंगे बेटा, देखो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और एक और बना लो हम अच्छे अच्छे बनाएंगे बाद में। तो अब मैंने ऐसे फाइव फ्लावर्स बना दिए, तो ये कितने को शो करेंगे बेटे, 50 को शो करेंगे, क्योंकि 10 10 10 10 10, तो कितना हो गया टोटल 10 10 10 10, 50 हो गए ना। तो इस टाइप से पिक्टोग्राफ जो है सभी से इजी है, बिकॉज इसमें किसी भी नंबर को शो करने के लिए हम अपनी मर्जी से किसी एक शेप को कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं। हम एक फ्लावर को मैंने हमें 10 वैल्यू दी थी, आप 1 भी दे सकते थे, 2 भी दे सकते थे, 3 भी दे सकते थे, तो उसी के मल्टीपल में हमारे पास फ्लावर्स की नंबर आ जाती। बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने कहा होता है 1 फ्लावर की वैल्यू 50 है, तो ये 50 ये भी 50 दोनों की वैल्यू 100 हो गई, फिर मैं कहता इसकी भी 50 है तो 150 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 250 हो गई। बात समझ में आ रही है इनको, ये बात समझ में आ रही है हम सबको बेटे, एक बार वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक बार में हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो हमें ना आए, हमने 9.2 की थी कल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हॉलीडे वाला था, कैलेंडर वाला। बेटे कैलेंडर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कैलेंडर लेके आएंगे। तो किसी बच्चे के पास कैलेंडर है क्या, नहीं है, तो चलो मैं देखता हूँ कैलेंडर। ठीक है, तो ये कह रहे बेटे ड्रॉ द कॉलम ग्राफ ऑफ अपकमिंग नंबर्स ऑफ हॉलीडे बिटवीन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जुलाई। तो दिसंबर और जुलाई के बीच में कितने हॉलीडे हमारे पास आएंगे उनका भी ग्राफ बनाना है, तो हम वैसे ही मान लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है,
तो ऐसे चार टेबल बनाना पहले तो, ठीक है बच्चों। मिनिमम फोर हॉलीडे तो आएंगे, संडे की तो आएंगे, तो हम अपनी मर्जी से किसी में फोर कर देंगे, किसी में फाइव और किसी में सिक्स, ठीक है ना। तो जुलाई में ले लेते हैं बच्चों, मान लो फाइव हॉलीडे आ गए। अगस्त में मान लो हमारे पास ओनली फोर यानी सिक्स आ गए, क्योंकि इसमें फिफ्टीन अगस्त वगैरह आ जाता है, तो मैंने सिक्स ऑलरेडी ले लिया। सेप्टेम्बर में मान लो हमने एक भी नहीं फोर ही लिए, बस संडे संडे में और कोई नहीं लिया। अगस्त में बेटा सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में मान लो वो भी फोर ही है। नवंबर में बेटा दीपावली वगैरह आ जाती है, तो हम इसको कुछ ज़्यादा दे देते हैं, मान लो टेन ऑलरेडी आ गए। और दिसंबर में बेटा एक तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आ जाता है, तो इस टाइप से हम दिसंबर में भी 6 to 7 डेज ले लेते हैं, 6 डेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हॉलीडे की नंबर होगी। मान लो जुलाई में 4 होगी, 5 हॉलीडे आ गए, अगस्त में 6 आ गए, सेप्टेम्बर में 4, अक्टूबर में भी 4, नवंबर में 10 आ गए, और दिसंबर में कितना आ गया बच्चों, 6। अब इसका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, बात समझ में आ रही है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करोगे बेटा, हमें वर्टिकली बनाना है, तो नंबर इधर होंगे और जो नेम लेंगे वो इधर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 तक काउंटिंग है, मैं 1 मंथ का गैप ले लेता हूं। फर्स्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं कॉलम, हमारे पास ग्राफ में तो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक गैप छोड़ता हूं बीच में, यहां पे रह गया जो मंथ हमारा वो रहेगा जुलाई, ये छोड़ देता हूं, फिर अगले में रहेगा बेटे इसमें अगस्त, फिर एक और छोड़ देते इसमें रहेगा सेप्टेम्बर, फिर क्या रहेगा बेटे एक छोड़ने के बाद इसमें अक्टूबर, फिर इसमें नवंबर, और नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा बच्चों, दिसंबर। तो फर्स्ट वाले में बना देता हूं मैं, कितना है 5 ऑलरेडी है, तो 5 की सीट तक हम जाएंगे और हमारा एक फिलर बना देंगे, ठीक है, और इसको कलर को कर देंगे। फिर अगस्त वाले में 6 ऑलरेडी है, तो एक थोड़ा सा ऊपर और ले लेंगे, 6 तक चले जाएंगे। देखो मैं इसको गैप छोड़ रहा हूँ बीच में, और इस वाले में 6 तक खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा क्लियर आ गया। और दिसंबर में 6 आएगा इसके बराबर ना, कुछ नीचे मुझे दिख रहा है, इसको थोड़ा ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, माने 6 के बराबर है, ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, सबसे ज्यादा ऑलरेडी कौन से मंथ में लिए हमने, नवंबर में, तो मोस्ट हॉलीडे आर इन नवंबर मंथ, और कितने बचे, 10 है, बात
बच्चों, इन विच मंथ हैड द लीस्ट हॉलिडे, और सबसे कम कौन से महीने में? तो वैसे तो हमारे पास लीस्ट मतलब सबसे कम है 4, तो सितंबर एंड अक्टूबर बोथ लिखा जाएगा, बिकॉज़ इन दोनों के सेम है, तो हम सिंगल नहीं लिख सकते, दोनों ही लिखेंगे बिना ना। तो आप लिखोगे लीस्ट हॉलिडेज आर इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया उसने, इन विच मंथ द नंबर ऑफ हॉलिडे आर मोर देन इन अगस्त और दिसंबर। अगस्त और दिसंबर इन दोनों में कितना हो रहा है, 6 प्लस इसका भी 6, तो इन दोनों का सम हो रहा है, सॉरी इन दोनों में 6 आ रहा है, 6 से ज्यादा ओनली किसने है बेटे, नवंबर मंथ में है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन नवंबर मंथ नंबर ऑफ हॉलीडेज इज मोर देन अगस्त और दिसंबर। बात समझ में आ रही बेटे? मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो उसका भी कम आ रहा है, दोनों का सब को 12 आ रहा है, तो मैंने लिखा और एंड लिख देते ना तो दिक्कत हो जाती है, एंड का मतलब होता है प्लस कर दिया, और का मतलब होता है या तो अगस्त से कंपेयर कर लो या फिर दिसंबर से। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे मैंने एंड इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे 6 और 6 हैं, तो और का मतलब या तो अगस्त ले लो या फिर दिसंबर ले लो, तो उन दोनों से ही है मोर देन है नंबर का कितना 10। क्लियर बेटा? बट अगर मैं ऐसे कहता था अगस्त एंड दिसंबर, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता, नो कोई भी महीना नहीं आता, क्योंकि अगस्त एंड दिसंबर दोनों का सम कितना है, 12 इज ऑलरेडी है 6 इसके और 6 इसके, तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई ऐसा महीना नहीं होता जिसमें इन दोनों से ज्यादा छुट्टियां हो। समझ गए? तो जिन बच्चों को समझ में आए थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, एक बार और फिर से करते हैं। पहले बात तो ये है, डेटा की है, इस डेटा से हमने बार ग्राफ बनाया, ये कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करो। जो बार ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। अब इस बार का आपको देख रहा बताओ, सबसे बड़ी लाइन किसकी है बेटे, नवंबर की। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मोस्ट हॉलिडे मतलब सबसे ज्यादा हॉलिडे कौन से महीने में है, तो सबको दिख रहा है बेटे किसके अंदर है, नवंबर मंथ में, और नवंबर मंथ में कितने हॉलिडे हैं, 10। वो मैंने लिखा है मोस्ट हॉलिडे आर इन नवंबर मंथ और इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद में क्या होगा बेटे, लीस्ट हॉलिडे आर इन सितंबर एंड अक्टूबर। लीस्ट पूछा था मतलब सबसे कम, सबसे छोटी लाइन इन दोनों महीनों की सेम टू सेम है, 4 4। तो फिर ये दोनों के नाम लिखे मैंने, लीस्ट हॉलिडे आर इन सितंबर एंड अक्टूबर इज इक्वल टू 4। उसके बाद में क्या पूछा बेटे, थर्ड क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि अगस्त और दिसंबर की जो हॉलीडेज हैं उनसे ज्यादा कौन से महीने में हॉलीडे आए, तो अगस्त या फिर दिसंबर से ज्यादा हॉलिडे होने की इसमें आए बेटे नवंबर मंथ में। क्लियर है? ये हमारा आंसर है। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप कर दो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को, ये तो नहीं आया ना। नंबर ऑफ हॉलीडेज
इज मोर देन अगस्त और दिसंबर, ठीक है बेटे। क्लियर है बच्चों? अभी अगर समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, राइट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। अगर क्वेश्चन नंबर टू, उसमें हमें पिक्टोग्राफ भी बनाना और टैली मार्क्स भी बनाना है, ठीक है? तो अभी अभी हमने बताया पिक्टोग्राफ में हम किसकी हेल्प लेंगे, इसमें पिलर की बजाय हम पिक्चर्स बनाएंगे। फिर थ्री सर्किल है बेटे,
और थ्री वर्टिकल लाइन है, और उससे आगे वाले बेटा एट तो ऐसे राउंडेड शेप है, आठ गोले और खड़ी लाइन कितनी है थ्री। तो अब इनकी वैल्यू आप बताओगे, बताओ कितनी है। यहाँ पे नंबर हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50 और 2 कितना हो गया 52। 10, 20, 30, 40, 50, 60 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 10, 20, 30, 40, 50 और ये 3 कितना हुआ 53। ये 10, 20, 30 और 3 33। तो टेक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 और ये 3 तो कितना हो बच्चों 83। अब आपको आंसर देना है इसमें से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन विच डे द पापड़ बीन मेड मोस्ट एंड हाउ मच, कौन सा दिन था जब सबसे ज्यादा पापड़ बनाए गए और कितने। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा कब बने, तो बेटा संडे वाले दिन सभी घर में फ्री रहते हैं, तो पापड़ी पापड़ खाए उन्होंने, और कितने पापड़ खा गए बेटे। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा संडे, और कितना बेटे 83 पापड़। सेकंड में देखो बेटा क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे हैव मोर पापड़ बी मेड इन मंडे और फ्राइडे, ऐसा कौन सा डे था जब मंडे या फिर फ्राइडे से ज्यादा पापड़ बने। तो मंडे को कितने थे बेटे 52 और फ्राइडे को कितने थे 53। अब इससे ज्यादा एक तो बन रहे ट्यूजडे पे और एक बन रहे बेटे संडे पे, इसका आंसर आ जाएगा ट्यूजडे कोमा संडे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कम थे, अच्छा ये भी है थर्सडे भी लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। कौन कौन से दिन मंडे और फ्राइडे से ज्यादा, मंडे और फ्राइडे पूछा है ना, हाँ मंडे और फ्राइडे से ज्यादा पापड़ कौन से दिन पे बने। तो बेटे मंडे को देखो 52 है और फ्राइडे को 53 है, तो इससे ज्यादा एक तो ट्यूजडे को बने 60, एक थर्सडे को बने 70 और एक बने बेटे संडे को कितना 83। बात समझ में आ रही है सभी को, गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ बेटा। बेटे संडे का 8 राउंड है और 3 लाइन है, मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा क्या। अगर आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर तो आप ऐसे अपनी तरफ से तो बना सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों थर्ड में, वैसे थर्ड है ही नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन आएगा हमारा, मैं संडे के ऊपर बना देता हूं यहाँ पे मंडे की जगह, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, तो संडे के ऊपर बना लो, नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो संडे सेवंथ नंबर वाला, उसमें ये 8 गोले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3 खड़ी लाइन है 83 हो गए, ठीक है बस। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार फिर से थम्स अप कर दो बेटा। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं थ्री वाला, उसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है या फिर बार ग्राफ, ठीक है। तो आप सभी को बनाएंगे हो
Make a table of the presence of student in your class 1B. 5 students and 1 line is equal to 1 student. And the answer the following question. देखो एक फेस बनाना है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और अगर खड़ी लाइन बनाए तो 1 स्टूडेंट को। जैसे कि हमने यहां पे देखा था ये 1 राउंड कितने पापड़ को शो कर रहा था 10 को। ऐसे 1 फेस ऐसे स्माइली फेस बनाएंगे ना हमेशा ये 5 स्टूडेंट्स को शो करेगा। इसको शो करेगा बेटे 5 को और अगर हमने ऐसे खड़ी लाइन लगाई वो 1 स्टूडेंट को शो करेगा। और हमें जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है उसको देख के एक पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों चलिए बनाते हैं। अब इसमें दो सारे डे आएंगे बेटा वही प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे तो डे हो जाएगा। अब इस बार स्टार्टिंग से स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ पे एक स्माइली फेस बना देता हूँ जिसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे और यहां पे मैं नंबर लिख लेता हूं। अब इसमें भी आप अपनी मर्जी से डेटा भरोगे बेटा। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। वो ये पूछ रहे हैं आपकी स्कूल में 7 दिन 6 डे स्कूल लगता है तो पहला आप लिख लेते हैं मंडे को स्कूल लगेगा। फिर लिख लेते हैं ट्यूजडे को लगेगा। फिर बेटे वेडनेसडे को लगेगा। फिर थर्सडे को लगेगा। फिर फ्राइडे को और फिर लास्ट किसको लगेगा बेटे सैटरडे को। अब इसमें अपनी मर्जी से डेटा लिख दो आप। तो आपकी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं मंडे को सारे के सारे आ गए 50 के 50 आ गए तो ज्यादा ले रहे हैं 50 क्योंकि 10 बोले इसके अंदर नहीं आएंगे तो मान लो 20 मान लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारी क्लास में हम मान के चल रहे हैं। ठीक है 20। ठीक है बेटा तो मान लो सर मंडे को सभी के सभी आ गए 20। ट्यूजडे को दो बच्चे नहीं आए 18 आ गए। थर्सडे को बेटा 15 नहीं आए। अगले दिन वापस 20 आ गए। उससे अगले दिन मान लो 30 नहीं आए और उससे अगले दिन मान लो 19 आ गए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। हम ये अपनी मर्जी से डेटा मान रहे हैं। आप इसकी जगह और कुछ भी मान सकते थे। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं आता। ठीक है बेटा तो 20 के लिए 5 के टेबल से देखो कितने बार में आएगा 25 अंदर 5 5 2 10 5 की जो 55 हो गया 20 तो आपको ऐसे कितने फेस बनाने होंगे 4 1 2 3 4। इसका मतलब कितने बच्चे हो गए 20। 18 में देखो 5 5 5 5 10 5 3 15। 15 के लिए 3 फेस बना दो। अब 3 बच गए तो उसके लिए 3 लाइन थी तो 15 के लिए 3 फेस कोई इश्यू नहीं है। 20 के लिए वापस 4 फेसेस बना दो। 13 के लिए बेटा 10 के लिए तो 2 फेस लग जाएंगे। बाद में कितना बचा 3 तो 1 2 3। और 19 के लिए 15 तक तो 4 फेसेस वो 3 फेसेस 19 के लिए 4 लेफ्ट हो जाएगा 4 लाइन खींच लेंगे। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो। इसमें भी अब क्वेश्चन पूछे गए हमसे देखिए उसके आंसर देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे बेटे इस क्वेश्चन में देखो सभी क्लास बुक है ना देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन होल वीक। फुल वीक में कितने बच्चे हैं टोटल तो फर्स्ट डे कितने आए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल वीक। इसके लिए आप क्या करोगे बेटे सभी को ऐड करोगे
20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 13 और फिर प्लस 19। जल्दी से आंसर बताओ बेटे इसका क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन, ये सेकंड वाला कर रहे हैं क्या, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन पहले कर दिया, फर्स्ट वाला देखो बेटा, व्हाट इज द व्हिच डे स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट द मोस्ट इन द क्लास। तो बेटे सबसे ज्यादा बच्चे एक तो मंडे को आए और दूसरा किसको आए बेटे, थर्सडे को। तो आप लिखोगे ऑन मंडे एंड थर्सडे, THURSDAY, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। आज मोस्ट सबसे ज्यादा बच्चे कौन से डे पे आए थे बेटे, मंडे और थर्सडे को, वही मैंने लिखा है द ऑन मंडे यानी मंडे को एंड थर्सडे यानी थर्सडे को, द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स वाज मोस्ट, सबसे ज्यादा बच्चे कौन से डे को प्रेजेंट थे, मंडे और थर्सडे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम बताओ, सम मतलब ऐड करना है इन होल वीक यानी पूरे वीक में, यानी कि पूरे 6 डेज में हमारे बच्चे कितने आए स्कूल के अंदर, उनका सम बताना है। कितना आया बच्चों, 85 स्टूडेंट्स। सभी अपना आंसर चेक करो बेटा एक बार, तुम में से किसी भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया है आप एक बार आंसर चेक करो अपना। मैं चेक करता हूं बेटा, 9 और 3 12 12 और 5 17 और 8 25 के 5 2 के 2 और 1 3 4 4 6 7 8 और 10 क्या हो रहा है बेटे, ये 105 आ रहा है। कितना रहा बच्चों, यहाँ पे देख लो आप, 8 और 5 13 और 3 16 16 और 9 कितना हो गया बेटे, 25 के 5 2 के 2 और 2 4 5 6 और 2 8 9 और 1 10, कितना आ रहा है बच्चों, 105 स्टूडेंट। क्लियर है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 वाला, वो देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ये कह रहा है व्हिच डे स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट द लीस्ट इन स्कूल, तो कौन से डे पे थे ये बताओ, कौन से डे के थे, फ्राइडे के थे, किसके थे बेटे, ऑन फ्राइडे, ठीक है, ये हमारा आंसर है, द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स वाज लीस्ट। समझ गए बेटा, सबसे कम बच्चे कब आए थे, इस दिन को आए थे और ये फिफ्थ नंबर वाला डे था फ्राइडे। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।